आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोस YouTube और Spotify को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारे Spotify चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर वीडियो को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है दुष्टांत या त्रिक भाव। 6, 8, 12 को त्रिक भाव माना गया है प्रायः सारी क्लासिक्स में, लेकिन प्रश्न मार्ग में 3 को भी, तीसरे भाव को भी दुष्टांत में लिया गया है और अय्यर जी ने अपने डिविजनल चार्ट्स में हमेशा तीसरे भाव को भी दुष्टांत माना है। तो ऐसी स्थिति में हम 3, 6, 8, 12 पर आज बात करेंगे। 3, 6, 8, 12 भाव जो है वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते और उनका भी एक कारण है, लेकिन ये भाव हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी है और उनके कुछ अच्छे गुण भी हैं, उस पर भी हम एक दृष्टि डालते हैं। तो तृतीय भाव कहा गया है कि ये पराक्रम का भाव है, ये आपके आगे बढ़ के काम करने का भाव है, ये आपके क्रिएटिविटी का भाव है। हाँ, यदि यहाँ कोई मैलेफिक बैठ जाता है तो वो जीवन में संघर्ष देता है, लेकिन हमको मालूम है कि संघर्ष से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हो सकता है कि ये जो अशुभ ग्रह है, जो ये दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह है, वो आपको आपको वाच शक्ति में प्रॉब्लम्स दे दे, क्योंकि तृतीय भाव आपका वाक शक्ति का भाव भी है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा जोर से बोले, थोड़ा तीखा बोले, जिसके कारण आपके काम में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात जानते हुए, ये बात समझते हुए यदि हम इसकी एनर्जी अपने काम के पराक्रम में लगाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत अच्छा करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तृतीय भाव में यदि आपका मंगल होता है तो आप निडर होते हैं, किसी चीज से नहीं डरते। सूर्य यदि वहां बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से लोहा मनवाना जानता है। इसी प्रकार यदि शनि तृतीय भाव में बैठ जाए तो वो शनि आपको एक साहस देता है या आपको निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण आप कभी ना कभी ऊपर तक तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो पापी ग्रह है यदि तृतीय भाव में बैठे तो आपको तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आप आगे बढ़ने में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। फिर हम षष्ठम भाव की ओर बढ़ते हैं। षष्ठम भाव आपके रोग रिपु ऋण का भाव है। षष्ठम भाव आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकता है और साथ ही आपको संघर्ष इस रूप में आते हैं क्योंकि वो प्रारब्ध का भी भाव है, तो आपने जो पीछे कभी बोया है उसको आपको काटने का अभी मौका मिलता है या आपको उनका चुकाया बकाया करना पड़ता है। षष्ठम भाव में जो बैठे ग्रह है वो आपको अपने पूर्व कर्मों का चुकाया बकाया करने देते हैं, तो इसके लिए ये भी एक तरह से अच्छा है कि आपका जो प्रारब्ध है या संचित है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और साथ ही षष्ठम भाव आपके कॉम्पिटिशन का भाव है, तो यदि षष्ठम भाव में जो ग्रह बैठे होंगे यदि वो वीक होंगे तो हो सकता है कि आप अच्छा कॉम्पिटिशन, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अच्छे से लिख ही ना पाए। षष्ठम भाव आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, लेकिन षष्ठम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको हेल्थ इश्यूज से किस तरह से उभरना है वो भी बताता है। तो यदि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, यदि आप षष्ठम भाव में बैठे ग्रह के को अच्छे से देखें समझे तो वो आपको बताता है कि आपका निवारण क्या होगा। गुरु यदि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से में आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। गुरु आपके वकील को भी बताता है और आपके डॉक्टर को भी बताता है और आपके टीचर को भी बताता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ का गुरु बहुत स्ट्रांग हो तो आपको वकील भी अच्छा मिलता है, आपको टीचर या गुरु आपको अच्छे मिलते हैं और आपको डॉक्टर्स भी अच्छे मिलते हैं, जो कि आपको आपके रिपु रोग और ऋण इन तीनों से किस तरह से आगे बढ़ना है ये बताते हैं। फिर यदि शुक्र यहाँ अच्छा बैठ जाए तो वो आपको आपके सहकर्मचारी या आपके कलीग्स या आपके साथ आपके अंडर काम करने वाले लोग वो अच्छे लोग दे देते हैं। फिर यदि सूर्य बोलते हैं कि यदि षष्ठम भाव का बैठा हो तो क्लासिक्स में ये मेंटेन है कि ऐसा व्यक्ति किसी से भी हारता नहीं और हमेशा आगे निरंतर बढ़ता जाता है। इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो षष्ठम भाव आपको ऑब्स्ट्रक्शंस प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन
उनसे निवारण करने की भी क्षमता देता है। इनफैक्ट राहु षष्ठम भाव का बहुत बली होता है और कोई आपके सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। फिर हम अष्टम भाव पर आते हैं। वैसे एक बात और, षष्ठम भाव सर्विस का भाव है, जिनके षष्ठम अष्टम द्वादश भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो हीलिंग, वो लोगों की मदद करना, यानी कि जो डॉक्टर्स आदि, उनके लिए ये षष्ठम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, षष्ठम अष्टम द्वादश, तो वहां उनकी ये एनर्जी यूज हो जाती है। जब हम अष्टम भाव की बात कर रहे होते हैं तो अष्टम भाव जो है वो केवल भोगों का भाव नहीं है, वो मोक्ष का भी भाव है, वो आपकी साधना का भी भाव है। यहाँ बैठा जो ग्रह है वो बताता है कि आपको किस तरह की साधना करनी चाहिए ताकि आप अपने इष्ट के करीब हो। अष्टम भाव आपको परेशानियां देता है, अचानक जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस देता है, अप्स एंड डाउन्स देता है, लेकिन अष्टम भाव आपको अनअर्न्ड मनी भी देता है। आप यदि आपको विल्स, लॉटरीज, जुआ सट्टा आदि, इन सब का पैसा भी, जुआ सट्टा तो आपको पंचम भाव से मिलता है, लेकिन विल से, लॉटरी से आदि, इनसे आपको अष्टम भाव से पैसे मिलते हैं, तो वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अनअर्न्ड मनी सबको अच्छा लगता है। फिर अष्टम भाव जो है वो आपको विदेश यात्रा भी करवाता है, जिस प्रकार आपका द्वादश भाव आपको विदेश यात्रा करवाता है। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, जिनको अपने जीवन में किसी भी एक चीज को पकड़ के धुन लगा के आगे बढ़ने की क्षमता होती है, उनका अष्टम भाव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चाहे आप आइंस्टाइन को ले लें, उनका उनका अष्टम भाव में दिग्बली तो नहीं, लेकिन हाँ उच्च का मंगल बैठा हुआ था और साथ में राहु भी था, तो दो ऐसे प्लैनेट्स जो उनके अष्टम भाव में मैलेफिक्स बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, वो अपने जीवन में और देश विदेश में वो लेकर आए। अष्टम भाव की जब हम बात कर रहे हैं तो अष्टम भाव में अधिक ग्रह, जिनको हम जानते हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी, उनके जो जैसा मैंने सुना है उनके चार्ट में चार प्लैनेट्स अष्टम भाव में है, जिसका उन्होंने बहुत सुंदर उपयोग किया है। इंजीनियर के होने के साथ साथ वो एक आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट अकल्ट साइंटिस्ट, जिसे हम कहेंगे अपने विश्व में, अभी उनकी जो मौजूदगी है वैसा है। तो हमको उसकी एनर्जी, कोई भी भाव की एनर्जी किस तरह से यूज करनी चाहिए ये आने चाहिए। अष्टम भाव में यदि बुध बैठा हो और साथ ही उसके रवि यानी कि आपका सूर्य बैठा है, तो ये दोनों आपको एक उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजर भी बनाते हैं। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन सभी किताबों में दिया हुआ है। यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो तो आप देवी उपासना से अपनी भक्ति को बहुत पुख्ता कर सकते हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव में बैठे ग्रह ये भी बताते हैं कि आपको कहाँ से धन भी प्राप्त हो सकता है, अनर्न्ड मनी, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। अब हम आते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव आपको हॉस्पिटल्स से जोड़ता है, द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव है, तो द्वादश भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो बताता है कि आपके खर्चे किस तरह से हो रहे हैं। यदि शुक्र बैठा है तो आप लोगों को भी देंगे और अपने ऊपर भी अच्छा खर्चा करेंगे। गुरु यदि वहां बैठा है तो आप सोने पर भी खर्चा करेंगे और आप दूसरों को दान पुण्य भी देंगे। शनि वहां बैठ जाता है तो लोगों को विरक्त दिलाता है। इसी प्रकार द्वादश भाव आपको हॉस्पिटल से जोड़ रहा है, या देश विदेश की यात्रा करवा रहा है, या आपको एमएनसीज में काम करवा रहा है, तो वो द्वादश भाव कितना खराब होगा आपके लिए। यदि ये 6, 8, 12 साथ में 3 भाव नहीं हो तो हमारा जीवन संघर्ष रहित तो रहेगा, लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो हर समय हम ये बात सोचें कि 6, 8, 12 जो है क्लासिकली दुष्टान है और खराब ही रिजल्ट्स देंगे, ऐसा नहीं है। हमें उनकी जो एनर्जी है उसको उपयोग करना आना चाहिए और उसको लेकर आगे हम कैसे बढ़े, हमें क्या अच्छा प्राप्त हो, ये भी हमें सोचने की बहुत जरूरत है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें लिखकर बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।